नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों मथुरा उत्तर प्रदेश NH2 पर हाईवे के ऊपर का पुल उद्घाटन से पहले हो रहा है क्षतिग्रस्त। राधापुरम चौराहे के पास गोवर्धन चौराहा है, उस पर अभी एक टू व्हीलर के लिए ब्रिज बनाया गया है जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ। उसको फिलहाल अभी चालू कर दिया गया है क्योंकि राधापुरम चौराहे पर भयंकर जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन अभी उसको 10 दिन भी नहीं हुए और उससे पहले ही पूरे पुल की टाइल्स पूरी टूटी हुई निकल रही हैं। वो टाइल्स के नीचे का जो मसाला है वह भी पूरा उखड़ा हुआ है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन से यही मांग की जा रही है कि कैसे भी इस पुल को दोबारा से उपयोग के लिए तैयार किया जाए, कोई भी हादसा ना हो। और मथुरा जिले में तो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको इसकी सूचना लेनी चाहिए। जिसके द्वारा ये पुल तैयार किया गया है उन अधिकारियों को दंडित करना चाहिए, क्योंकि हादसे से पहले अगर इसकी मरम्मत नहीं हुई तो कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। कुछ यात्रियों से पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि अभी पुल को 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन जो मटेरियल लगा हुआ है वह बहुत ही घटिया क्वालिटी का है, कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। मथुरा से कैमरामैन सुनील भारद्वाज के साथ ठाकुर ब्रजवीर सिंह जादौन। सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ ठाकुर ब्रजवीर सिंह जादौन मथुरा से। मैं अभी अभी यहाँ जहाँ हाईवे पर NH2 पर खड़ा हुआ हूँ, जो एक अभी पुल बन करके चालू भी नहीं हुआ ढंग से, जिसका एक इनोग्रेशन भी नहीं हुआ है, और उस पुल की दुर्दशा इतनी है कि आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय क्या पोजीशन है। जहाँ जहाँ हमने शुरू से स्टार्टिंग से कवरिंग करी है और कवरिंग से स्टार्टिंग करते हुए सीधे ऊपर तक आ चुके हैं और ऊपर आके कर देख रहे हैं कि जिस समय जहाँ हम लोगों ने कैमरा अपना माइक लगाया हुआ है, कैमरा लगाया हुआ लोगों को उसे बता रहे हैं कि उसमें टाइल्स के गड्ढे हो चुके हैं, और टाइल्स के गड्ढे ये कोई भी किसी भी बड़ा प्रकार का हादसा हो सकता है। और मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी और जानकारी आगे जाके दिखाना चाहूँगा कि जितने भी इस पुल के ऊपर टाइल्स लगी हुई सारी टूट चुकी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइल्स हैं टूट चुकी हैं। कोई भी बड़ा सा बड़ा हादसा हो सकता है, और NH2 इतना बिजी हाईवे है कि आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी ज़रा दुर्दशा देखिए सारे पूरे ब्रिज की। मैं आपसे दो चार राहगीरों से कुछ इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, जिससे वार्तालाप करते हैं हम लोग, बताते हैं इसके बारे में, पूछते हैं उनसे कि इस पुल का कब और कितनी दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ और इसको कैसे बनाया गया और क्यों बनाया गया है। एक राधापुरम चौराहा है जिसको रोका गया है, उसके उपलक्ष्य में जो छोटी गाड़ियां आती हैं टू व्हीलर, उनको इस पुल के ऊपर से निकाला जा रहा है। टू व्हीलर वगैरह जितने भी आ रहे हैं उनको इस पुल के ऊपर से निकाला जा रहा है, और इस पुल पर इतने मोड़ नहीं है कि जिससे वो मोड़ गाड़ियों को अपनी टू व्हीलरों को उस पुल पर से मोड़ सकें। मैं आपको आइए एक बार इनसे जितने भी यात्री हैं इनसे थोड़ा सा जानकारी दिलवाना चाहूँगा। कहाँ से आप? नहीं रहते गणेश राधेधाम। इसको पुल के बारे में कब बना है ये पुल? अभी बना, अभी 15-20 दिन हुआ है। 15-20 दिन हुए तो इस पुल की दुर्दशा क्या है? दुर्दशा सब टूटा है, सब टूट गया, अभी कैसा बन रहा है ये सब सामने दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है कि उद्घाटन हो चुका है अभी? ये नहीं मुझे मालूम, उद्घाटन अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, और उससे पहले अभी 15 दिन के अंदर इसको और चालू किया गया है, क्योंकि राधापुरम चौराहा बंद पड़ा हुआ है इसके चेको फ्लट में। तो 15 दिन के अंदर इस पुल की क्या है वैल्यू है, क्या इसका टूटा, कितना टूटा हो गया? अभी 15 दिन में ही टूट गया, तो आगे क्या पता है कि कब इससे कितना बड़ा कैसा हादसा हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, इससे छोटा है बहुत, निकलने में बड़ा दिक्कत हो रही है, मोड़ने में, यू टर्न वगैरह निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये हमारे साथ एक जी, आप बताएं भाई साहब आपको क्या ऐसे क्या सहूलियत मिल रही है? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्या ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया? इतना महत्वपूर्ण पुल है जो राधापुरम स्टेट को गणेशरा स्टेडियम के लिए, गणेशरा गांव के लिए मुख्य रास्ता है। अभी आप देखेंगे कि ये 15 दिन पहले ही पुल चालू हुआ है, अभी इसका मुहूर्त नहीं हुआ है। एक जागरूक नागरिक होने की हैसियत से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ अथॉरिटी से। आप ये देखेंगे ये NH2 के ऊपर हम लोग बीचों बीच खड़े हुए हैं, क्या ये पुल कभी भी गिर जाएगा? क्या ये हादसों का शिकार हो जाएगा? क्या ये भ्रष्टाचार का शिकार हो गया? इसकी जांच कौन करेगा? आज हमारे मोदी जी पूरे जहान में एक बात को कहते हैं, और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की सांसद महोदया हेमा मालिनी जी हैं, पूरा योगी सरकार है यूपी में, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या ये हादसे होने के बाद ही लोग जागेंगे, प्रशासन जागेंगे? 3 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आज मीडिया बंधु यहाँ खड़े हुए हैं इस बात को बताने के लिए। और मैं इंडिया न्यूज़ 28 को, बॉबी सिंह जादौन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने ज्वलंत मुद्दे को उठाया सबसे पहले, जो आज 3 डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये बताने के लिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है।
एक राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है इस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। क्या ये पुल गिर जाएगा, हादसों का शिकार होगा, क्या हाईवे NH2 पर अनगिनत लाशें बिखर जाएंगी, इसकी जिम्मेदारी कौन अथॉरिटी लेगा? प्रशासन को मैं चाहता हूँ कि आकर यहाँ स्वयं देखें कि ये जो मोड़ है कितना खतरनाक है, इसमें दो गाड़ियाँ निकल नहीं सकती, एक गाड़ी मोड़ नहीं सकती, इसको ये चालू कर दिया गया है। एक बार आप प्रैक्टिकल यहाँ आकर खुद मोटरसाइकिल चलाकर तो देखें, ये टाइलें खोल रही हैं, ये गिर रहा है कि गिर जाएगा, क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक्चुअली मथुरा में आपको अवगत है कि चार चार विधायक हैं, दो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके होते होते भी इस पुल को इस तरीके से चालू किया गया और चालू करने के बाद 10 दिन के अंदर ही कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसके पुल को चालू करना पड़ा और 10 दिन के अंदर ये सारी टाइलें उखड़ती नज़र आ रही हैं। इसकी कोई भी बड़ा से बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी ब्रिज पर टूट सकता है, कभी भी कुछ भी दुर्दशा हो सकती है। मेरा प्रशासन से यही मांग है, मैं यही चाहता हूँ कि कैसे भी करके इसको दोबारा